हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मीठा हम सबको पसंद होता है, लेकिन बाजार जैसा मीठा घर पर बनाने के लिए काफी मेहनत और समय लग जाता है। इसीलिए आप सबके लिए मैं आज बहुत ही आसान मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छेना मुरके की। इसे बनाना आसान तो है ही, और लेकिन खाने में भी ये बहुत ही मजेदार होता है। तो चलिए बनाते हैं छेना मुरके। छेना मुर्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश पनीर ले लिया है और इसे मैंने क्यूब के आकार में काट लिया है। इसी के साथ हमें चाहिए 1/2 कप चीनी, 1 टेबलस्पून गुलाब जल और चुटकी भर इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आप इसका इस्तेमाल ना करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम एक पैन में चीनी को ऐड करेंगे और इसमें लगभग 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसके एक उबाल आने के बाद हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे, इससे चीनी की जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी निकल आ जाएगी। कुछ देर बाद हम इसके जितने भी इम्प्योरिटीज़ है इसको हम अलग कर लेंगे और इसे फिर से उबाल लेंगे। इसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी और बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिला लूंगी। इसे हम लगभग 7 से 8 मिनट तक उबाल लेंगे और इसे बीच बीच में अपने हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। पाँच से सात मिनट बाद मैं अब इसमें चुटकी भर इलायची पाउडर ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून गुलाब जल ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से झाग आना शुरू कर दिया है और हमारी चाशनी जो है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो गई है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता रहेगा हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा वैसे ही पनीर जितनी भी चाशनी है उसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगी और ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। आप देख सकते हैं पनीर ने पूरी चाशनी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये ड्राई बन चुकी है। अब हमारी छेना मुर्की तैयार है। बहुत ही आसानी से हमने इसे घर पर बहुत कम इन्ग्रीडियंट से बना लिया है, तो आप भी बनाइए और इसका मज़ा लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।